देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अपने कामकाज पर वोट मांगने के अलावा रोज नई नई योजनाओं का ऐलान कर रही है। दिल्ली में ट्रैफिक नियम की समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने नया प्लान तैयार किया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही पूरे प्लान का ऐलान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रैफिक 100% सॉल्व किया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े शहर है दुनिया के जो अपनी ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से ट्रैफिक को ईज किया जा सकता है। उसके ऊपर अब हम स्टडी करेंगे और मैं पर्सनली इस पे लगूंगा। मैं देख रहा था, अगर आप गूगल मैप उठाएं शाम के टाइम में तो आपको पूरे दिल्ली के नक्शे के ऊपर दिखाई दे जाता है कि कहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, तो वो बॉटलनेक्स हो गए हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एसोचैम द्वारा आयोजित दिल्ली की सोच कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा किए गए अनेक काम को जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली के बेसिक जरूरतों को ठीक करने की कोशिश की है। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में या वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, उनकी सड़कों से ज्यादा चौड़ी दिल्ली की सड़कें आपको मिलेंगी। दिक्कत ये हो गई है कि हमारी 4 लेन की सड़क अचानक थोड़ी सी आगे जाके 3 लेन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर थोड़ी सी आगे जाके फिर 6 लेन बन जाती है। दिस इज नॉट अ गुड डिजाइन। ये बॉटलनेक्स क्रिएट कर देता है। अगर वो सड़क 4 लेन की बजाय 3 लेन ही रहे और थ्रू आउट 3 लेन रहे तो वो नॉर्मल ट्रैफिक चलता रहता और बड़ी तेजी से चलता रहता है। इन सड़कों को रीडिजाइन करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे अगर माइनर चेंजेस कर दिए जाएं तो वो ट्रैफिक के जो कंजेशन है उसको दूर किया जा सकता है। इन चीजों पे अब काम करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में बहुत सारी एजेंसियों का होना है। 4 साल पहले ही 9 सड़कों को रीडिजाइन करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट हायर नहीं हो पाए। अब जब कंसल्टेंट हायर हो गया है तो मुमकिन है कि योजना का ऐलान जल्द ही हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।